नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। कांग्रेस में आज बैठकों का दौर चलने वाला है। दरअसल सुबह 11 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और इस बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा होगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेता जिसमें जीतू पटवारी, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, भूपेश बघेल, दीपक बैज, ताम्रध्वज साहू शामिल हो रहे हैं। वहीं शाम 5 बजे संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की एक बैठक होगी और इस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है। आपको बता दें कि आज बैठकों का दौर चलेगा। कांग्रेस के सभी संसदीय दल के सदस्य वहां मौजूद होंगे शाम 5 बजे संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए। और उससे पहले एक बड़ी बैठक होगी मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में और चुनावी नतीजों पर समीक्षा होगी। इस तरह से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के परिणाम इस चुनाव में रहे वो देखने का एक विषय होगा कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी इस पर विचार विमर्श करने के बाद निर्णय लेती है। फिलहाल आपको बता दें इस बैठक में चुनावी नतीजों की समीक्षा होनी है और शाम 5 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। और भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, रायपुर से तनु वर्मा हमारी सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। शैलेंद्र, आपके पास आते हैं पहले, जिस तरह के परिणाम मध्य प्रदेश में आए हैं समीक्षा की आवश्यकता तो है, आज क्या कुछ बैठक में बात हो सकती है और क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही है? मध्य प्रदेश के कौन कौन से चेहरे इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, बिल्कुल आपने जिस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस को करारी हार मिली और उसके बाद आज उसके बाद पहली समीक्षा बैठक जो है वो दिल्ली में आयोजित की जा रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ हो जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उसके अलावा सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर्स हैं ओमकार सिंह मरकाम जो खुद चुनाव लड़ रहे थे, दिग्विजय सिंह भी खुद चुनाव लड़ रहे थे, इसके अलावा कमलनाथ जो है इस बैठक में शामिल रहेंगे, उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जिस तरीके से करारी हार कांग्रेस को मिली है और खासकर कई बड़े दिग्गज नेता भी चुनाव हारे हैं। देखिए, बड़े नेताओं को मैदान में इसलिए उतारा गया था कि अधिक से अधिक सीटें जो है वो जीती जा सके, लेकिन दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ अपने गढ़ को भी नहीं बचा पाए हैं, ओमकार सिंह मरकाम जो है वो खुद चुनाव हार गए, इसके अलावा कांतिलाल भूरिया चुनाव हार गए। तो ये हार की जो समीक्षा यहां पर की जाएगी कि आखिर हार के कारण क्या रहे। देखिए, खास बात यह भी है कि देखिए विधानसभा चुनाव में जिन 66 सीटों पर कांग्रेस के विधायक चुने गए थे उनमें से भी 50 सीटें जो है इस बार कांग्रेस के सांसद इलाकों से भी चुनाव हार गए। तो ये बेहद ही शॉकिंग है कि आप विधानसभा में उन सीटों को जीतते हैं लेकिन लोकसभा में उन सीटों को भी हार जाते हैं जहां आपके विधायक हैं। और अब देखिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम बड़े नेताओं के जो बयान सामने आ रहे हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि किसी को हार की जिम्मेदारी लेनी होगी। अजय सिंह राहुल भैया कह रहे हैं कि मंथन होना चाहिए, हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और जिस तरीके से कुछ देर पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि युवा नेतृत्व को आगे आना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए, तो ये तमाम जो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। तो आज इन सबकी समीक्षा होगी कि हार के वास्तविक कारण क्या रहे। इसके साथ ही देखिए एक बड़ा कारण हार का यह भी माना जा रहा है कि जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले बीजेपी ने ज्वाइनिंग अभियान चलाया और लगभग 4 लाख के आसपास जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी छोड़कर गए। कई बड़े दिग्गज नेताओं ने पार्टी छोड़ी। विधानसभा चुनाव के बाद 3 विधायक जो है वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो आखिर जो इतने सारे लोग जब टूट टूट कर कांग्रेस से जा रहे थे तो संगठन ने इनको रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया या संगठन को इनकी भनक क्यों नहीं लगी कि बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता जा रहे हैं उनमें उनके जो है वो एक बड़ी हार जो है वो कांग्रेस को मिल सकती है। तो संगठन से निश्चित तौर पर आज मल्लिकार्जुन खड़गे इस बात का जवाब जरूर लेंगे कि आखिर जब इतनी बड़ी संख्या में लोग तोड़ तोड़ कर जा रहे थे तो आखिर आपने उनको क्यों नहीं रोका। देखिए, आपको याद होगा जीतू पटवारी के वो बयान, वो लगातार ये कहते थे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो नतीजे आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। किसी को ये उम्मीद नहीं थी किसी भी कांग्रेसी नेता को कि इतना बुरा हाल होगा, कमलनाथ का जो गढ़ है वो भी ढह जाएगा, जबकि सभी जो दिग्गज नेता थे वो 10 से 12 सीटें जीतने की बात करते थे लेकिन तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो हार चुके हैं। और अब आज इन हार की समीक्षा होगी और निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों के लिए, खासकर देखिए मध्य प्रदेश में कुछ बाय इलेक्शन भी होने हैं, जिन सीटों से विधायक पार्टी छोड़कर गए हैं या फिर जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान अब विधायक से सांसद बन गए तो उस सीट पर भी अब बाय इलेक्शन होगा। तो बाय इलेक्शन में पार्टी को किस तरीके से लगना है और एक कार्यकर्ताओं में को एक नया मैसेज देना है, तो इस हार की जिम्मेदारी कौन लेगा और आने वाले समय में संगठन को किस तरीके से चलाना है। एक साथ कई मोर्चों पर कांग्रेस पार्टी को काम करना होगा जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं,
तनु के पास चलते हैं, रायपुर। इस वक्त तनु हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। तनु, यहां मध्य प्रदेश में जो परिणाम रहे उससे एक कदम आगे छत्तीसगढ़ में कुछ राहत जरूर रही कि एक सीट कम से कम कांग्रेस बचा पाई, लेकिन राजनांदगांव जैसी सीट का हार जाना, बड़े बड़े चेहरों का यहां भी वही हाल जो मध्य प्रदेश में था। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से एक सीट जो है वो कांग्रेस के हाथ में गई है और तमाम दिग्गज नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस को करारी हार का जो है वो सामना करना पड़ा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है और इस बैठक में परिणामों को लेकर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही हार के क्या कुछ वजह रहे इस पर भी चर्चा जो है वो किया जाना है, साथ ही कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या रहेगी इस पर भी मंथन किया जाना है। इसके साथ राज्यवार जिन लोकसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को हार और जीत मिली है इस पर भी मंथन जो है वो संभावित है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं ने जो है भाजपा प्रवेश किया था, ऐसे में उनके भाजपा में प्रवेश करने की क्या कुछ वजह है, इन सभी तमाम मुद्दों पर आज के इस वर्किंग कमेटी में जो है चर्चा होनी है। वहीं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ से एक्स-सीएम भूपेश बघेल, ताम्रध्वज साहू, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस समेत फूलो देवी नेताम समेत तमाम नेता जो है वहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के बैठक में जो है वो शामिल होंगे और कांग्रेस की हार के पीछे की वजह क्या रही, जीत की क्या कुछ वजह रही, आगामी रणनीति कांग्रेस की क्या रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर आज इस वर्किंग कमेटी की बैठक में जो है वो चर्चा होनी है। जी बहुत शुक्रिया आपका दानू, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र, आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी चूंकि इस वक्त वो चेहरे वो नेता दिल्ली पहुंचने की तैयारी में है जो आज की बैठक में हिस्सा लेंगे, कोशिश कीजिएगा उनसे भी बात करने की, क्या विषय रहेंगे, क्या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जा सकता है। और चूंकि जिस तरह से हमने देखा था विधानसभा चुनाव के बाद कमलनाथ ने प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ा था और अब लोकसभा चुनाव के बाद क्या कोई बदलाव होगा, ये देखने का विषय है। और अब बात नीट परीक्षा की। जी हां, जबलपुर में नीट